तो दोस्तों आज हम वीडियो बनाने निकले हैं गांव में, तो आज का वीडियो हमारा ब्लॉग रहेगा। तो आइए देखते हैं कि गांव में हम क्या आप सबको दिखाते हैं। तो वीडियो को अपने लास्ट तक देखते रहिए। तो आइए इधर देख लीजिए। तो इधर आप देख सकते हैं कि दीदी जो है मिट्टी को अच्छे से गूँथ रही हैं, और ताकि जो है मिट्टी का बर्तन चिकना बने। तो मिट्टी का छोटी छोटी लोई बनाकर तैयार कर रही हैं मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए। तो दोस्तों इधर आप देख सकते हैं कि जो बर्तन बनाने वाला ये चाक है, ये जो है पत्थर का होता है। तो जो है बड़ी ही मेहनत से जो है भैया लोग इसे डंडे के सहारे लकड़ी के सहारे घुमाते हैं, और इससे जो है इसका स्पीड काफ़ी तेज़ करते हैं मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए। तो भैया जो ये भी चीज़ बनाएंगे तो हम आप सबको वो चीज़ दिखाएंगे। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहिए। तो मिट्टी लगाए हुए हैं, मिट्टी के ऊपर जो है थोड़ा सा पानी लगा रहे हैं, बनाना शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले बनाएंगे दिवाली के लिए मिट्टी का दियली। तो चलिए दिखाते हैं भैया दियली कैसे बनाते हैं घर पे। तो आप सब देख सकते हैं कि भैया बहुत सुंदर सुंदर मिट्टी के दियली बना रहे हैं, और बिल्कुल उसी तरह दूसरा दियली बनाएंगे। अब हाथ में बराबर पानी लगाए रहते हैं ताकि चिकनी चिकनी दियली तैयार हो। तो हाथों में बराबर पानी लगाते रहेंगे। पुरवा भी बनकर तैयार हो गया है, बिल्कुल उसी तरह दूसरा पुरवा बनाएंगे। तो भैया जो है मिट्टी का घड़िया बना रहे हैं, आप सब देख सकते हैं घड़िया भी बहुत सुंदर बनाए हुए हैं। तो भैया के हाथ में जो है काफ़ी कला है, आप सब देख सकते हैं कि काफ़ी जो है दिमाग से और जो है मेहनत के हाथ की सफाई इसमें होती है दोस्तों। तो इधर आप देख सकते हैं कि अब भैया बनाएंगे जो है मिट्टी का गुल्लक, जिसमें पैसा रखा जाता है, तो जिसे हम लोग गांव में मनी बैंक कहते हैं। तो गुल्लक भैया बना रहे हैं, तो गुल्लक भी आप सबको दिखा देते हैं कि गाँव में कैसे बनाते हैं। तो आप सब देख सकते हैं कि गुल्लक बन रहा है, और काफ़ी अच्छा काफ़ी सुंदर भैया बना रहे हैं। तो अब बनाएंगे नेवड़ मिट्टी का। तो मिट्टी का नेवड़ भी बनकर रेडी हो गया है। अब भैया एक धागा उठाएंगे, तो धागा के सहारे जो है जैसे मिट्टी को काट देंगे, नेवड़ जो है अलग हो जाएगा। तो दोस्तों इधर आप देख सकते हैं कि ये जो है काफ़ी मेहनत से मिट्टी का जो है कलशा बनाए हुए हैं। छोटा छोटा मटकी है, तो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये चाय पीने वाला पुरवा है, जिसे हम लोग पुरवा बोलते हैं गाँव में। इसे जो है पकाने के बाद इसमें चाय पिया जाता है। अब ये जो है पराई है, पराई को भी आप सबको दिखा देते हैं। तो आप सब देख सकते हैं कि मिट्टी का पराई है, ये भी देखने में बहुत ही सुंदर सुंदर जो है काफ़ी मेहनत से और सुंदर सुंदर जो है मिट्टी का बर्तन बनाए हुए हैं। तो इसका हम पकने तक का वीडियो आप सबको दिखाएंगे। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो मिट्टी के बर्तन को पकाने के लिए यहाँ पे काफ़ी जो है ईंधन भी इकट्ठा किए हुए हैं। तो आप सब देख सकते हैं कि ये जो है उपली है, और इधर भी आप सब देख लीजिए कि बोरिए में जो है काफ़ी उपली रखा गया है, तो इसे पकाने के लिए। तो इसका हम पकने तक का वीडियो आप सबको दिखाएंगे दोस्तों। तो वीडियो को हमारे लोग लास्ट तक देखते रहिए। तो दोस्तों इधर आप देख सकते हैं कि मट्टी के बर्तन पकाने के लिए यहाँ पे सबसे नीचे राख रखा गया है, उसके ऊपर जो है चार तही का उपली रखा गया है। तो इसके ऊपर जो है
सारे मिट्टी के बर्तन को रख कर और ऊपर से फिर उपली को ढक दे, उपली से ढक देंगे। ढक कर उसके बाद इसमें आग लगाएंगे। आग लगाने के बाद इसे रात भर के लिए छोड़ देंगे, सुबह इसको खोलेंगे। तो दोस्तों, मिट्टी का बर्तन जो है बनाने के लिए, पकाने के लिए काफ़ी मेहनत लगता है और काफ़ी ईंधन लगता है। तो काफ़ी मेहनत से जो है सारे जो है बर्तन को तैयार करते हैं, जैसे मटका हुआ, वो गल्ला हुआ, पुरवा हुआ, परई हुआ, तो काफ़ी मेहनत से जो है पकाते हैं, बनाते हैं, उसके बाद जो है मार्केट में उसे ले जाते हैं, बेचते हैं, तब उसके बाद जो है पैसा बनता है। तो इधर मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए पूरी तैयारी हो गई है उपली से, और इधर भी आप देख सकते हैं जो नेवड़ बना हुआ है, इसमें जो है दीपावली के लिए मिट्टी के जो है दियली बनाए हुए हैं, तो थोड़ा थोड़ा मटके में डाले हुए हैं ताकि अच्छी तरह से पक जाए, शायद दियली और मटका साथ में और अच्छे तरीके से पके। यहाँ जो है बड़े वाले नेवड़ में दियली रखा गया है पकने के लिए, और इधर जो है छोटे वाले नेवड़ में घरिया रखा गया है। तो आप सब देख सकते हैं, तो एक एक जो है मटके में घरिये के डाले हुए हैं पकने के लिए। तो यहाँ पे भैया ने जो है धरती माता को मनाते हुए जो है पकाने की तैयारी कर रहे हैं। तो आप सब देख सकते हैं, नेवड़ सबसे पहले नेवड़ को रखे हुए हैं, इसके अंदर दियली भी है। तो ये जो है मिट्टी के बर्तन पकाने की पूरी तैयारी हो रही है। दिवाली भी आने वाली है और नवरात्र भी आने वाला है, तो इसे बहुत ही अच्छे से पकाएंगे। तो सारे मिट्टी के बर्तन के उपली के ऊपर रखते जाएंगे, तो आप सब देखते रहिए। तो दोस्तों, आप सब देख सकते हैं कि मिट्टी के बर्तन को पकाने के लिए काफ़ी मेहनत जो है दीदी और भैया लोग कर रहे हैं, आप सब देख ही सकते हैं। तो मिट्टी को रख चुके हैं, अब जो है आप सब देख सकते हैं गल्ला भी रख दिए हैं, और एक भैया जो है गमला भी बनाए हुए हैं, आप सबको दिखाते हैं। एक मिट्टी का गमला भी बनाए हुए हैं पकने के लिए, इसे भी रख दिए हैं। अब इसके ऊपर दियली और परई और पुरवा रखेंगे पकने के लिए। तो भैया आप जो है मटकी के चारों तरफ पुरवा लगा रहे हैं पकने के लिए। तो भैया ने पुरवा को रख दिया है, अब पुरवे के जो है बगल बगल में जो है दियली को रख रहे हैं। तो आप सब देख सकते हैं कि छोटी छोटी दियली मिट्टी के बनाए हुए हैं। तो मिट्टी का बर्तन देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, तो दीदी और भैया का थोड़ा सा हेल्प हम भी करेंगे। थोड़ा सा दियली यहाँ से उठाएँगे और मटकी के चारों तरफ इस तरह से रखेंगे। इधर आप देख सकते हैं कि जो नेवड़ बीच में रखे हुए हैं, गल्ला रखे हुए हैं, तो बिल्कुल उसी तरह सारे दियली से जो है पूरी जो है मटके को तोप देंगे, ढक देंगे, उसके ऊपर जो है परई रखेंगे। तो दोस्तों, इधर आप देख सकते हैं कि भैया ने चारों तरफ दियली को रख दिए हैं और बड़ी वाली परई को रख रहे हैं। थोड़ा सा हम भी हेल्प कर दे रहे हैं। तो दोस्तों, जो है भैया और दीदी को जो है ये मिट्टी का बर्तन रखने में कम से कम 4 घंटे समय बीत गए हैं। तो काफ़ी मेहनत से जो है ये लोग उपली के ऊपर इकट्ठा कर रहे हैं बर्तन को पकाने के लिए। थोड़ा सा और बचा है, आप सबको दिखा देते हैं, थोड़ा सा उस तरफ और बचा है। सारी पराई को रख दिए हैं, आप सब देख सकते हैं कि जो है गगरी हम लोग गाँव में बोलते हैं, तो उसका जो है घुटन जो है ऊपर रख रहे हैं आग को लगाने के लिए। और दीदी जो है तो इसमें जो है उपली से डाल रहे हैं, इसमें आग लगाएंगे, तो अब आग लगने वाली है बहुत ही जल्द। तो उपरी के चूर के ऊपर जो है भैया जो है धान की भूसी डाल रहे हैं। तो मट्टी के बर्तन के चारों तरफ जो है भैया उपली लगा रहे हैं ताकि ऊपर भी अच्छे से बर्तन पक जाए मिट्टी का। तो उपली के सहारे सारे मिट्टी के बर्तन को ढक देंगे ताकि नीचे का ऊपरी जब जलेगा तब ऊपर से भी जो है गर्म रहेगा, तो पूरी तरह से बर्तन जो है पककर तैयार हो जाएगा। तो काफ़ी रात हो गई है, तो भैया ने मिट्टी के बर्तन के चारों तरफ जो है ऊपरी को फैला दिए हैं। अब नीचे जो है नदिया लगा रहे हैं जो मिट्टी का बना होता है घर छाने के लिए, ताकि यहाँ से बाहर ना निकले, तो नदिया को चारों तरफ लगा रहे हैं ऊपरी के ऊपर। तो दीदी यहाँ आग को तैयार कर रही है मिट्टी के बर्तन को पकाने के लिए। तो भैया अब आग को उठा रहे हैं, तो दोस्तों गांव में इसे आवा कहते हैं। तो बीच में जो मटका रखे हुए हैं, तो ऊपर एक पराई रखे हुए हैं, तो उसी में जो है आग को डाल देंगे, तो ये आग जो है नीचे तक जाएगी और सारे जो है ईंधन को जलाकर पूरा आग बनाकर तैयार करेगी। तो आग को भैया ने डाल दिए हैं, तो लकड़ी के सहारे आग को अच्छी तरीके से सेट कर देंगे ताकि आग अच्छे से उपली में लग जाए।
और उसके ऊपर छोटी छोटी उपरी डालकर ऊपर से ढक्कन लगाकर ढक दिए हैं, तो इसे रात भर के लिए छोड़ देंगे। तो इधर आप देख सकते हैं कि आग लगाने के 2 घंटे बाद कितने अच्छे से जो है आग जल रहा है, तो बहुत ही अच्छे से जो मिट्टी का बर्तन बहुत ही अच्छे से पकेगा। तो रात भर के लिए छोड़ा गया है, तो सुबह में जो है जब आग बुझ जाएगी तो खोला जाएगा। तो आप सब देख सकते हैं चारों तरफ कितने अच्छे से आग लगा हुआ है, तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा है और बहुत ही अच्छे से मिट्टी का बर्तन पक भी रहा है। तो इधर आप देख सकते हैं कि 12 घंटे बीत गए हैं, आवा जो है लगाए थे भैया वो पूरी तरह से जलकर राख हो गया है और आग भी बुझ गई है। तो दीदी जो है राख को हटा रही हैं और नरिये को भी हटा दी है। तो आप सब देख सकते हैं तो मिट्टी का बर्तन जो बनाए हुए थे तो काफ़ी पके पके एकदम बिल्कुल लाल तैयार हुए हैं, तो बहुत ही अच्छे से पका हुआ है। तो आप सबको दिखाई पड़ रहा होगा कि भैया और दीदी जितने भी मिट्टी के बर्तन आवा में पकने के लिए डाले हुए थे पूरी तरह से पककर लाल हो गया है। दोस्तों देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी इसको हटाएंगे तो हम आप सबको पास से और अच्छा दिखाएंगे। 1-2 पीस हम मिट्टी का बर्तन निकाल कर आप सबको दिखा देते हैं कितना अच्छे से पका हुआ है। तो राख को थोड़ा हटा देंगे तो आप सब देख सकते हैं कि ये मिट्टी का परई है, तो ये भी बहुत ही अच्छे से पका हुआ है। और एक जो है मटका, तो मटका को भी हम आप सबको दिखा देते हैं। तो मिट्टी का मटका भी जो है बहुत ही अच्छे से पक गया है, तो इसे हम लोग गांव में नेवहड़ कहते हैं। तो कब जो है मेहनत दीदी भैया लोग किए हुए थे तो इनका मेहनत जो है सफल हो गया है। तो बड़े वाले मटके को हम निकालते हैं, तो आप सब देख सकते हैं कि मटके के अंदर जो दीदी ने देली रखा हुआ था, तो देली कितने अच्छे से बिल्कुल लाल हो गई है पककर। तो मटका भी बहुत ही अच्छे से पक गया है, इसे भी हम बाहर निकाल देते हैं। तो आप सबको गुल्लक दिखा देते हैं जिसमें बच्चे लोग पैसा रखते हैं बचाकर। तो गुल्लक भी बड़े ही अच्छे से पका हुआ है, देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो और गुल्लक को निकाल कर आप सबको दिखा देते हैं। और यह है पुरवा चाय पीने वाला, तो ये भी काफ़ी अच्छा पका हुआ है, ये भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये गुल्लक ये भी है, तो इसको भी निकालते हैं। अभी गर्म है तो आप सब देख सकते हैं कि ये भी गुल्लक काफ़ी अच्छे से पका हुआ है। और अंदर भी आप सब देख सकते हैं कि जो गुल्लक भैया और दीदी रखे हुए हैं तो काफ़ी अच्छा बिल्कुल लाल लग रहा है और काफ़ी अच्छे से पका हुआ है। तो आज का हमारा ये मिट्टी का बर्तन आप सबको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो आज का हमारा मिट्टी का बर्तन बनाने का तरीका आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।